नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हिंदी साहित्य की, जो हम क्विज़ लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारी सातवीं क्विज है आज की। आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक की क्विज़ नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सभी क्लास मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी है हमारी UPSC के नाम से, जिसमें ये क्लासेस आपकी एक जगह पर मिल जाएंगी। ओके, साथ ही फ्रेंड कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, तो पहला आज का थॉट जो है उसे देख लेते हैं। अंधेरों को दूर करने के लिए एक बल्ब के उजाले से कहीं ज़्यादा सही मार्गदर्शन और जुनून की आवश्यकता है। आप ही शायद इस बात को मानते होंगे कि किसी भी कार्य करने के लिए अंधेरा भले ही हो लेकिन सही मार्गदर्शन जरूरी है, और आपका जुनून भी यहीं पे काम करता है। उजाले तो सभी की लाइफ में होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अंधेरे में ही सही मार्गदर्शन में और जुनून से सफलता हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि एक विद्यार्थी के लिए एक परीक्षा पास करना ही उसकी निश्चित सफलता है, और मनुष्य के लिए एक सही जीवन को जीना उसकी सफलता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे इसी विचार के साथ अपनी आज की क्लास। आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 25 प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हमने सेट किए हैं। आप सभी बता सकते हैं फीडबैक में कि आपको प्रश्न कैसे लगे। ये पहला प्रश्न जो हमारा है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना इतिहास तिमिर नाशक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इतिहास तिमिर नाशक जो है ये एक निबंध विधा की रचना मानी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1888, 1873, 1885 या फिर 1880। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1873। इतिहास तिमिर नाशक जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1873 है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनके काव्य को देखकर यदि कहा जाए कि रीत काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनकी बात समाप्त हो जाता है तो असंगत न होगा। नगेंद्र का यह कथन किस रीतकालीन कवि के लिए है? आचार्य मतिराम, ब्रंद, जसवंत सिंह या फिर प्रताप शाही। प्रश्न नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाही। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग यह पंक्ति किस कवि की है? केशव, गिरधरदास, बिहारी या फिर घनानंद। तो तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग जो है पंक्ति दी है बिहारी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये आचार्य कर्म में जितने सफल रहे कवि कर्म में उतने ही असफल रहे, ये आचार्य पहले हैं और कवि बाद में, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मिश्र बंधु हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो पहले तो जो लोग रामचंद्र शुक्ल को मानते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने कदापि नहीं कहा है कठिन काव्य का प्रेत इन्हें, इस रचनाकार को। उन्होंने ये कहा है कि इस रचनाकार को किसी ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। राम नरेश त्रिपाठी की जो कविता कौमदी है उसमें जरूर लिखा है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। तो इस तरीके से हम राम नरेश त्रिपाठी को मान सकते हैं। आपका विचार क्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे माना गया है? केशव को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बेनी प्रवीण, ब्रजभाषा के मतराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। तो प्रश्न नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि हैं, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। द्विजदेव रीतकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि थे, यह कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 8 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द्विजदेव को रीतकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? घनानंद, भूषण, पद्माकर या फिर बिहारी। तो रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है, रीतिमुक्त, रीतिवध, रीति सिद्ध।
तो घनानंद जो है रीति मुक्त में आते हैं, इन्हें स्वच्छंदतावादी कहा जाता है जो अपनी अभिव्यक्ति देता है। भूषण और प्रभाकर जो हैं ये रीतिवद्ध में आते हैं और बिहारी जो हैं ये रीति सिद्ध में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में ही होनी चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय में से क्या है? काव्यांग निरूपक ग्रंथ, प्रकृति प्रक ग्रंथ, महाकाव्य या फिर चरित काव्य? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्यांग निरूपक ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि किसे माना है? चिंतामणि, भिखारीदास, पद्माकर या फिर प्रताप सिंह? तो चिंतामणि से इन्होंने रीतिकाल की परंपरा मानी है, और अंतिम प्रबंध कवि किसे माना है? तो ये पद्माकर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सूरन सरसुरत भूषण विन्न विराजयी कविता वनता मिथ, यह दोहा किस कवि का है? तो यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए हैं, केशव, बिहारी, मतिराम, ग्वाल कवि। तो यह जो पद है यह दिया है केशव ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का अंतिम कवि किसे माना है? तो देखिए, जो प्रबंध कवि माना है तो पद्माकर है, लेकिन रीतकाल का अंतिम कवि किसे माना है? द्विजदेव, भिखारीदास, सेनापति या फिर ग्वाल कवि? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्वाल कवि। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्य ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? तो अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा नायिका भेद ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, भाषाभूषण चंद्रलोक की छाया मात्र है, एक ही श्लोक में लक्षण और उदाहरण दोनों मिलते हैं, कथन है किसका? बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य शुक्ल। तो प्रश्न नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। तो मतिराम हैं, भूषण हैं, सेनापति, जसवंत सिंह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मतिराम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कविता इनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है, बिहारी के लिए कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भाषाभूषण के रचयिता में से कौन है? तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? देव, ग्वाल, जसवंत सिंह, मतराम। भाषाभूषण जसवंत सिंह जी ने लिखी हुई है, आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्राय है और बाकी रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो यह जो कथन दिया है यह किसने दिया है? प्रश्न नंबर 20, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि यह गड़बड़ वाली बात किसने की है, तो ये बच्चन सिंह ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से रीतकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? तो ऑप्शन है देव, भूषण, घनानंद, सेनापति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेनापति। अब यहाँ पे देखिए, प्रकृति चित्रण तो सेनापति ने किया है रीतकाल में, लेकिन त्योहारों का वर्णन और प्रकृति चित्रण पद्माकर ने भी किया है, और साथ ही सेनापति जो है इन्होंने रामकाव्य भी लिखा है, और साथ ही इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया है ऐसा भी बताया जाता है सेनापति जी ने। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न हमारा है 22, मतिराम कृतिरस राज में नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का विवेचन रहीम के वर्वे नायिका भेद व भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर किया गया है, यह कथन है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, नामवर सिंह हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो केशवदास जो है इनका जन्म 1555 में हुआ था, 1555 में। इन्होंने लिखी है विज्ञान गीता, जहांगीरजस चंद्रिका, भाषाभूषण, रतन बावनी। तो नहीं लिखी है, पूछा गया है, तो भाषाभूषण जो है जसवंत सिंह की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इस काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, नामवर सिंह हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो श्रृंगार काल किसे रीतिकाल को कह सकता है, किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्रृंगार काल कहा किसने है आप कमेंट करके बता सकते हैं। 24 का जो क्वेश्चन है आज का लास्ट प्रश्न जो हमारा है, नाट्य शास्त्र संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति भारतेंदु का नाटक
जो कृति है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। भारतेंदु ने एक कृति लिखी है नाटक नाम से, तो इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है 1888 है, 1880 है, 1873 है या फिर 1883 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1883। तो मित्रों ये थे आज के 25 प्रश्न, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा, आपने कितने राइट किए हैं आंसर ये भी बताइएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो मेहनत है उसका उद्देश्य ये है कि आप जो है इस चैनल को आगे बढ़ाएं, इस क्लास को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हिंदी साहित्य कम पढ़ने वाले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत कम लोग जुड़े हैं फ्रेंड, तो आप लोग ही हमारी हेल्प कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अब तक के जो भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जो भी हमारे व्यूज़ बढ़े हैं, वह आप लोगों का ही जो है सहयोग है, और आप लोगों की इस सहयोग की मैं आभारी हूँ, और इतना जो मैंने एक स्टार्टिंग की थी वो यहाँ तक आई है और आगे भी बढ़ेगी आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो वास्तव में हृदय से जुड़े हैं और मैं उनकी आभारी हूँ। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी क्लास देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर आपने अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, और UPSC की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक इस क्लास को पहुँचा दीजिएगा। किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, अगर शेयर नहीं कर सकते हैं तो लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको क्लास पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करिए और हमें फीडबैक दीजिए कि क्यों नहीं पसंद आई। ओके, तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और करेंट अफेयर की क्लास आ रही है UPSC के लिए तो उसे ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।